हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कुशीनगर जनपद के बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर उड़ान में क्या बाधाएं आ रही हैं। तो अगर आप कुशीनगर या उसके आसपास क्षेत्र के हैं या आप इस एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उत्तर प्रदेश और हमारे देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू करने की ओर इशारा कर रहे हैं और दूसरी ओर उड़ान की राह में 49 मकानों की भूमि का मामला रुकावट बनकर खड़ा है। मकान के मालिक भूमि के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं तो शासन मुआवजा देने की बात कर रहा है। पिछले 6 महीने से बात मुआवजे पर अटकी है तो इससे संबंधित फाइल शासन के पास लटकी हुई है। सीएम के ट्वीट के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन ने मामले के निस्तारण को लेकर तेजी दिखानी शुरू कर दिया है। दरअसल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने को लेकर बार बार सरकार व प्रशासन की घोषणा के शोर के बीच एक अवरोध को दूर करने को लेकर कोई सार्थक हल नहीं निकल सका। उड़ान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा खींचे गए रूपरेखा की परिधि में बलुही मदार पट्टी और बिलवा दुर्गा राय गाँव के छोटे बड़े 49 मकान आ रहे हैं। इसको हटाने के लिए प्रशासन ने पहल की तो ग्रामीण मकान के बदले मुआवजा लेने को तैयार हो गए, लेकिन मकान की भूमि के बदले जमीन की मांग रखी। इसके संबंधित रिपोर्ट लगभग 6 माह पहले प्रशासन द्वारा शासन को भेजी गई तो मकान का मुआवजा भी आ गया, लेकिन जमीन के बदले भूमि देने से इनकार कर दिया गया। इसका भी मुआवजा देने की बात कही गई। बात यहाँ अटकी तो आगे बढ़ ही नहीं सकी। अब ऐसे में उड़ान सेवा फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर AK द्विवेदी ने बताया कि चिन्हित मकानों को हटाने जरूरी है। इसके हटने के बाद ही उड़ान संभव हो सकेगा, क्योंकि ये सभी मकान जहाज के अप्रोच में आएंगे। वहीं जिलाधिकारी इस राज लिंगम ने कहा कि भूमि के बदले भूमि देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिस पर अनुमति नहीं मिली। अब नए सिरे से आबादी के हिसाब से मुआवजे के लिए पुनः प्रस्ताव भेजा गया है। उड़ान को लेकर कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और ग्रामीण का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। शासन के प्रस्ताव पर संस्तुति के बाद दोबारा मकान के मालिकों से बात होगी। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संकेत देते हुए ट्वीट किया था कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कभी भी इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ किया जा सकता है और यह संकल्पों को एक नई उड़ान देने का बेहतरीन डेस्टिनेशन प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि लाइसेंस मिलने के बाद से यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित उड़ान शुरू करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कोशिश हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यहां से उड़ान सेवा जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और अगर यहां से पहली उड़ान सेवा की बात करें तो यहां से पहली उड़ान सेवा श्रीलंका के लिए होगी, जिसको लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति से पत्राचार भी हो चुका है। कुशीनगर हवाई अड्डे के डायरेक्टर के रूप में AK द्विवेदी यहां जिम्मेदारी पहले ही संभाल चुके हैं। नई दिल्ली की तरफ से कुशीनगर हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस फरवरी में ही मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद कुशीनगर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। इसके अलावा यह देश का 87वां नागरिक हवाई अड्डा हो चुका है। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और दूसरा बनारस में था और तीसरा कुशीनगर में हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द से जल्द तैयार हो जाए और आम नागरिक के लिए खोल दिया जाए। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।